नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव के साथ राइटर अखिलेश कश्यप का नाम जुड़ता ही है। अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव को ऐसे ऐसे गाने दिए हैं जिसकी सुर्खियां बनी रहती है और वो गाने अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। इस कड़ी में आपको पता होगा कि झगड़ा गाना जो आया था अखिलेश कश्यप का अन्नपूर्णा फिल्म पर खेसारी लाल यादव की आवाज में, और वो गाना इतना ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ था कि उसके बारे में हर कोई जानता है और हर कोई इस गाने को अभी भी रील पर या फिर कहीं ना कहीं सुनने को है। लेकिन वो गाना आपको पता ही होगा कि जिस तरीके का ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से कंट्रोवर्सी चल रहा था, उसके चलते वो गाना जो है वो डिलीट हो गया था। लेकिन फिर भी उस गाने का क्रेज अभी लोगों में बना हुआ है। इस कड़ी में उसी गाने का 2.0 जो गाना है सारेगामा हम भोजपुरी पर रिलीज किया गया है। खेसारी लाल यादव की आवाज में क्वीन शालिनी और कृष्णा बेदर इस गाने को लिखे हुए हैं और ये गाना दर्शकों को काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है और भरपूर मात्रा में व्यूज और जो कमेंट्स लाइक्स हैं वो लगातार जो है वो मिलते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव और सारेगामा भोजपुरी के डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बद्री झा और अखिलेश कश्यप की होली के शूटिंग के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जी हाँ, बात करें तो जिस तरीके की तस्वीर दबंग राइटर खेसारी लाल यादव के अखिलेश कश्यप, खुद खेसारी लाल यादव और सारेगामा भोजपुरी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बद्री झा हैं, उनके चेहरे पर जबरदस्त तरीके की मुस्कुराहट नजर आ रही है और इस तस्वीरों को देखकर लोग अलग अलग तरीके की बातें करने लगे हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से अखिलेश कश्यप का लिखा झगड़ा 2.0 सारेगामा भोजपुरी पर आया है, तो ये जो गाना होली की शूटिंग हुई है जिसमें तीनों ये जबरदस्त तरीके की जोड़ी नजर आ रही है, उसको लेकर अब ये कह रहे हैं कि भतीजबा की मौसी जिंदाबाद जो गाना सबसे ज्यादा वायरल हुआ था और उसी का 2.0 जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश कश्यप लिखे हैं, खेसारी लाल यादव गाए हैं और सारेगामा भोजपुरी पर रिलीज होने वाला है। हालांकि इस जोड़ी को देखकर कह सकते हैं और एक झगड़ा 2.0 भी रिलीज हुआ है तो उस आधार पर तो हम भतीजबा की मौसी 2.0 को सोच सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या होगा तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि यही नाम होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया इस पे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।